अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन स्टीम रोस्ट बनाने लगे हैं। ये मैंने होल चिकन को लेके उसके 4 पीस करवा लिए, और इसमें ऐसे बारबेक्यू कट लगा लें। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, हल्दी, और थोड़ा सा इसमें सिरका शामिल कर लेंगे। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। इस पानी में अब ये जो चिकन है, अब हम इसको डिप कर देंगे। चिकन को पानी में डिप कर दिया। आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। आधे घंटे से ज़्यादा हमने चिकन को भिगो के रखा, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे छलनी में डाल के अच्छी तरह इसका पानी ड्रेन कर देते हैं। इसका सारा पानी ऐसे ड्रेन कर देते हैं। चिकन हमारा ड्रेन हो चुका है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा बटर ले लेते हैं। बटर मेल्ट होने पर आया है। अब ये हम चिकन को इसमें रख के स्टेयर फ्राई करेंगे। मिनट के बाद जब एक साइड से फ्राई हो जाए, हम चिकन के साइड्स को चेंज कर लेंगे। आप अगर बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं। इस तरह का गोल्डन सा कलर हमें चाहिए। और हमने स्टार्ट किया था स्टेयर फ्राई करना हाई हीट से, और फिर हमने इसे मीडियम कर दिया। ये सारे पीस हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक बर्तन में रख के इसे ठंडा होने तक छोड़ देंगे। चिकन ठंडा हो चुका है। अब हम एक बाउल के अंदर थोड़ा सा दही लेंगे, 3 से 4 चमचे। इसमें नमक डालेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, सूखा धनिया पिसा हुआ, पिसी हुई काली मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, वाइट पेपर, थोड़ा सा येलो कलर, सोया सॉस, हॉट सॉस, केचप। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन ठंडा हो चुका है। अब ये मसाला हम इस पर अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरह इसके जो टक्स हैं इसके अंदर चला जाए। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसे हम 1 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ये चिकन का जो हमने मसाला लगा के रखी हुई थी, हम इंस्टेंट पॉट में स्टीम करेंगे। आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, स्टीमर में, ओवन में, जिस चीज़ में आपको इजी लगे। इस तरह हम सारी चिकन को इसमें डाल देंगे। जो बचा हुआ मसाला था वो भी हम इस पर डाल देंगे। इस पर हमने 35 मिनट की टाइमिंग सेट की है। अब हम इसे बंद कर देंगे। 35 मिनट के बाद हम मिलते हैं। पॉट में स्टीम निकल गई है। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह स्टीम हो चुका है। देखें, बहुत अच्छा गल गया माशाल्लाह से। अब इसे हम सर्व करते हैं। माशाल्लाह से इतना गल गया कि डिश आउट करते हुए टूट रहा है। अपनी पसंद के सैलड और डिप के साथ सर्व करें स्टीम रोल।